देखिए आइए आज को आज हम बताते हैं आपको घड़ी क्लॉक। ये मैथ में भी चैप्टर है और रीजनिंग में का एक चैप्टर है तुम्हारा क्लॉक। यहाँ पर एक क्वेश्चन पहले टाइप का क्वेश्चन है, इसमें मात्र तीन टाइप है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले टाइप लिखा है 7:20 पर घंटे की सुई तथा मिनट की सुई के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। ये पहले टाइप का सवाल है घड़ी का। सबसे पहले वही देखिए, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक इसको समझा था सही, जैसे हमने यहाँ पर एक ये घड़ी बनाई, इसको ध्यान से देखना है। और इस घड़ी में 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कह रहा है घंटे की सुई तथा मिनट की सुई के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो तुमने देखा होगा अगर कोई घड़ी है तो इसके बीच में 5 लाइन होती है, इसके बीच में प्रत्येक के बीच में 5 लाइन होती है। मान लीजिए ये है 1, 2, 3, 4, 5, तो एक लाइन का मान होता है 6 अंश, तभी तो होता है ना इसके बीच में 30 अंश। तो इसका मतलब प्रत्येक के बीच में 30 अंश का कोण बनेगा। कहीं से उठा लें, अगर यहाँ उठा लें यहाँ 30 का बनेगा, यहाँ सबके बीच में 30 कोण बनेगा, क्योंकि एक लाइन का मान होता है 30 अंश। ठीक, तो यहाँ पर लिखा है 7:20 पर। तो अगर इसमें हम साढ़े यहाँ पर करें, ये वाली घड़ी घंटे वाली होगी और ये वाली होगी मिनट वाली। साढ़े देखो 7:20 एक होगा, सही है 7:20। तो इसके बीच में हम क्या करेंगे, यहाँ हम लाइन ऐसे खींचते जाएंगे इस प्रकार। तो इसके बीच में कितने इसके कोण बनेगा, 30 का ये बनेगा, 30 का ये बनेगा, 30 का ये बनेगा। तो 30, 30, 30, 90 यहाँ कितना कर दिया 90। इसके बाद फिर ये देखा जाता है इसमें मिनट कितना दिया है, 20 मिनट दिया है, तो मिनट का आधा किया जाएगा, तो उसके पीछे में रख दिया 10। अब घंटे वाली सुई आगे है और मिनट वाली पीछे है। जब घंटे की सुई आगे होती है मिनट के पीछे, तब ये जोड़ दिया जाता है, तो आंसर आ गया तुम्हारा 100। हमने देखा बहुत से यूट्यूब पे बताते हैं कि जैसे कोई सवाल है यहाँ पर लिखा है 9:45, उसको रेशियो मेथड से उसको करते हैं क्या नाम ये, उससे उससे तो उसकी ट्रिक होनी चाहिए। इस मेथड में हर एक का आंसर आएगा, पूरे घड़ी में इस टाइप का जो भी कुछ सबका आंसर इसका आ जाएगा। एक तो मेथड इसका ये हुआ, एक और इसी का मेथड है वो भी देख लीजिए। देखिए हमने लिखा यहाँ पर लिखा है 7:20, तो ये घंटा हुआ ये मिनट हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसमें याद रखना है कि अगर घंटे वाली सुई आगे है मिनट के पीछे, तो मिनट का आधा करके इसमें जोड़ा जाएगा एंगल निकालने के बाद, और अगर मिनट की आगे घंटे के पीछे तो यहाँ घटाया जाएगा, तो आंसर इसका 80 आएगा। एक तरीका और इसका है, दो तरीके से देख रहे हैं। ये हुआ तुम्हारा घंटा 7 घंटे 20 मिनट, तो घंटा को मिनट चेंज करी, तो मिनट को चेंज करने के लिए इसमें 60 से गुणा करना पड़ेगा। तो 7 घंटे में कितने मिनट हुए, 60, इसमें गुणा कर दिया आ गया 420, और प्लस 20 मिनट और इसमें जोड़ दीजिए कितने हो गए पूरे 440, इसका आधा करना पड़ेगा, तो आएगा तुम्हारा 220। ठीक, इसके बाद फिर मिनट में 6 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि एक लाइन का मान 6 इंच होता है, तो हो जाएगा 120। तो ये कितना बचेगा तुम्हारा 100, ये हो गया। तो कुछ कर दो वो जगह चालू कर, देखिए एक उसी प्रकार क्वेश्चन हम कर रहे हैं यहाँ पर। पहले हम घड़ी से देखेंगे इसको, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 2:40, तो ये होगा, ये घंटे वाली 2 पर होगी और वो वाली होगी 8 पर। ठीक, घंटे वाली कितने पर होगी, 2 पर होगी, और मिनट वाली होगी 8 पर। अब हम क्या करेंगे, इसके बीच लाइन खींच दो प्रत्येक के बीच में। अब यहाँ 3 का पड़ा पढ़िए, 3 × 3, 3 × 6, 3 × 9, 3 × 12, 3 × 15, 3 × 18 180 कोण बन गया 20, मिनट का आधा हो जाएगा 20 मिनट का आधा। अब इसमें कौन आ गया, ये मिनट है तुम्हारा और ये तुम्हारा घंटा है, तो मिनट वाली आ गई, तो मिनट वाली जब आ गई तो घटाया जाता है, घंटे वाली तो जोड़ा जाता है, तो घटा दो कितना बचेगा 160। ये इस मेथड से सब क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे। ठीक, और कुछ सवाल है आर्य शक्र वाली बुक से करना चाहिए इस टाइप के सवाल, फिर पूछ कर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, दूसरे टाइप का क्लॉक का क्वेश्चन, ये लिखा है किसी घड़ी में 8 बजे तथा 9 बजे के बीच किस समय मिनट तथा घंटे की सुई परस्पर संपाती होगी। तो यहाँ शॉर्टकट में लिख दे रहे 8 बजे तथा 9 बजे
संपाति। ठीक, पहले देखें इसको कैसे करना है। पहले तो किताब वाला तरीका, तुमने देखा होगा जैसे ये घड़ी बनी, पहले किताब वाला तरीका देखना है। 12 एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, तुमने देखा होगा 8 और 9 के बीच में, 8 और 9 के बीच में क्या होता है इसमें कि एक घंटे गैप, एक घंटे में होते हैं 60 मिनट, और 5 मिनट इसमें कम कर दो, 8 9 लिखा देखो बीच में 5 लाइन है तो 5 मिनट कम कर दो बचेगा 55 मिनट बराबर 60 के, तो 1 मिनट बराबर कितने आएगा 60/55, इसको 5 से काट दे तो आ गया 12/11। अब इसके बाद 12/11 यूज करना इस टाइप के सवाल में इनटू, इसमें देखा होगा 8 मिनट, 8 12 और 8 के बीच में 40 मिनट है, या इसका 5 गुना कर दीजिए, किसका 8 का, तो इसका 5 गुना करिए तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर 5 गुना हमने किया तो हो जाएगा 40, तो ये हो जाएगा 480/11, इसका भाग देंगे तो आएगा गैर चौक 44, इधर बचेगा 3, कितना बचेगा इधर गैर चौक 44, 4 बचा 40, तो 11 3 33, उधर ये आएगा तुम्हारा आंसर, तो इसका क्या लिखा जाएगा 8:43 सही 7/11, इसका ये लिखा जाएगा 8:43 सही 7/11। एक तरीका ये हुआ, इसका दूसरा तरीका क्या और देख लो, इससे आंसर आएगा एक तरीका, और तीन तरीके इसके बता दें। दूसरा तरीका है 12/11, नहीं इसकी ट्रिक होती है, एक है ट्रिक होती है संपाति के लिए 60×H/11, एक इसकी ट्रिक हो गई, तो 60×H जो पहले लिखा होता है × 8/11, इसका फिर भाग दें फिर वह जाएगा 480/11, अब इसका भाग देना है 480 इसमें, तो गैर चौक 44 बचे यहाँ 4 11 0 11 3 33 बचे 7, तो 43 सही 7/11, फिर लिखा जाएगा 8:43 सही 7/11। और इसका सबसे लास्ट में सबसे ज़बरदस्त इसका मेथड देखिए, सबसे ज़बरदस्त जिससे एक सेकंड में बिना पेन कॉपी के तुम लोग कर सकते हो। हमने यहाँ पर 8 लिखा, इसका 5 गुना कितना होगा 40, 8 का 5 गुना 8×5 = 40, हमेशा इसी का कहने क्योंकि मध्य का मान चाहिए, इसका 5 गुना 8 का 5 गुना 40, तो यहाँ लिखा हमने 40, फिर एक लाइन खींची फिर वही 40 लिख दिया 11, ये इसका एक तरीका है। एक और है, इसका पहले बार टाइम का 5 गुना किया 5 लिख दिया, फिर इसके बाद में वही ऊपर लिख दिया नीचे 11 11, तो याद रखना है। अब ये 11 से बड़ी संख्या ऊपर है तो इसका इसमें भाग देंगे हम, तो इसका भाग इसमें कई बार जाएगा 3 बार जाएगा, 11 का भाग अगर हम देंगे 40 में तो 3 बार जाएगा 11 3 33 जाएगा बचेगा 7, तो वही हमने कह दिया 11 का इसमें भाग 3 जाएगा, 3 इसमें जोड़ दो गया 43 सही, अब वहाँ बचेगा 7/11, तो आंसर हो जाएगा 8:43 सही 7/11। सबसे बढ़िया मेथड है, पहले इसका 5 गुना किया तो हो गया 40 40 ऊपर रखा बटे में 11 रखा। अब ये 11 अगर ये संख्या इससे छोटी होती तो वही आंसर हो गया था, अगर ये संख्या बड़ी है तो इसका इसमें भाग देना पड़ेगा, तो इसका भाग जाएगा 3 बार जाएगा, 11 का भाग 40 3 बजे 3 इसमें जोड़ 43 हो गया, इधर बचा 7 7/11, ये तो आंसर क्या हो जाएगा 8:43 सही 7/11। सब कुछ करते हैं देखिए उसी प्रकार का क्वेश्चन है, ये तीसरे वाले मेथड से करना है इसको, तो इसका कितने गुना करना है 5 गुना, तो 10, फिर ऊपर कितना है 10/11, अब ये चूंकि ऊपर वाली संख्या इससे छोटी है तो वही आंसर, तो आंसर क्या होगा 2:10 सही 10/11। अगला देखना, इसमें लिखा है 5 बजे तथा 6 बजे संपाति, लास्ट वाले मेथड से करेंगे, इसका 5 गुना 25 25 नीचे फिर 25 ऊपर 11, अभी संख्या बड़ी आ रही है इसमें तो इसका भाग दीजिए, इसमें कितनी बार भाग 2 बार जाएगा, तो 2 बार जाएगा तो इधर से 2 जोड़ दो कितने हो गए 27 सही, अब इसमें 2 का 11 भाग दें कितना बचेगा शेष 3 बचेगा, 3 बचेगा ऊपर तो 2 सही 11 2 5 2 बचा 2 इसमें जोड़ दिया हो गया 27 इधर बचा 3, तो आंसर क्या हो गया 5:27 सही 3/11। अगला सवाल इसी टाइप का एक और सवाल देख ले, तो इसका कितने गुना करना है 5 गुना, तो लिख दिया 50 फिर ऊपर 50/11, अब इसका भाग दो इसमें, तब अब 11 का भाग अगर ये संख्या ये वाली इस 50 यहाँ लिखा वही यहाँ लिखा 11 11 और 12 याद रखना है, 11 वही याद करें ना 12/11 से 11 निकाल दिया 12 हटा दिया वहाँ से 12 क्योंकि पूरे घड़ी में 12 बजते तो 12 हटा 11 निकाल दिया,
अब इसका ये संख्या चूंकि बड़ी पड़ रही है तो इसका भाग देना, छोटी होती तो भाग नहीं, तो वही आंसर होता, भाग इसका दीजिए तो 11 चौक 44, 4 बार गया, 4 जुड़ दो हो गया 54। अब यहाँ कितना बचा तुम्हारा, अगर 11 का भाग हम 50 में देंगे तो 11 चौक 44, यहाँ 6 बचा, 6 बचेगा तो हो जाएगा 6 सही 54 सही 6/11, तो आंसर क्या होगा 10 बजकर 54 सही 6/11।